अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किन किन के ऊपर विजय की थी, तो वो क्या है इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले किसके ऊपर विजय की थी, फिर किसके ऊपर विजय की थी और फिर किसके ऊपर विजय की थी, इसमें यही पूछा गया है। तो ये कूट दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है रणथंभौर, बी ऑप्शन है जालौर और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिवाना और डी ऑप्शन क्या है चित्तौड़गढ़। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन के ऊपर विजय की थी। तो सबसे पहले इन सभी विजयों के बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बता चुकी हूँ, तो आप क्या है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके भी देख सकते हो। ओके, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हिंट मैं फिर से आपको बता देती हूँ, दे देती हूँ ना। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किसके ऊपर विजय की थी, रणथंभौर के ऊपर विजय की थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर विजय की थी, जो प्रथम विजय थी वो थी रणथंभौर, और कब की थी, सन 1301 ईस्वी के अंदर। सन 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर विजय की थी, और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर देव चौहान था। उस समय जो रणथंभौर का शासक था वो हमीर देव चौहान था। मैंने आपको बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण क्यों किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था, ठीक है, मोहम्मद शाह है, अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही सेनापति था, उसने क्या है अपनी रक्षार्थ हेतु हमीर देव चौहान के दरबार में गया अपना रक्षार्थ हेतु, ठीक है। तो हमीर देव चौहान ने उसकी रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया सन 1301 ईस्वी में, और क्या है उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मैंने आपको बताया था हमीर देव चौहान है वो किसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं, अपनी हट और शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसने शरणागत की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था, और युद्ध में क्या है वीरगति को प्राप्त हो गए। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे पहली विजय कौन सी थी, रणथंभौर विजय थी, सन 1301 ईस्वी में इसने विजय प्राप्त की थी रणथंभौर के ऊपर, और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर देव चौहान था। ओके गाइस, तो देखते हैं हमारा दूसरा विजय। तो दूसरी विजय थी अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार किस पे विजय की थी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर की थी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर इसने दूसरी विजय प्राप्त की थी। और कब की थी, सन 1303 ईस्वी के अंदर। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर विजय प्राप्त की थी, और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राव रतन सिंह था, जो समर सिंह का पुत्र था। राव रतन सिंह किसका पुत्र था, समर सिंह का पुत्र था, और अपने पिता समर सिंह की मृत्यु के बाद राव रतन सिंह सन 1302 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा था, और अपने सिंहासन पर बैठने के एक वर्ष पश्चात ही इसे क्या अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तो सन 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या किया, आक्रमण किया, और 1303 ईस्वी के अंदर राव रतन सिंह के साथ युद्ध किया। तो राव रतन सिंह हैं वो इस युद्ध के अंदर क्या है वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। और ये जो युद्ध माना जाता है इसकी इसकी इसका जो विषय है वो किस उपलक्ष्य में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, वो बताया जाता है कि राव रतन सिंह की जो सुंदर पत्नी थी पद्मिनी पद्मावत, ठीक है, तो पद्मिनी को पाने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, और सन 1303 ईस्वी के अंदर क्या है विजय प्राप्त की। फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया राव रतन सिंह की, क्या है राव रतन सिंह इस युद्ध में मारे गए, ठीक है, और इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया। फिर चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, खिजराबाद रख दिया गया। इसने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा, खिजराबाद रखा। तो पहली विजय थी रणथंभौर के ऊपर सन 1301 ईस्वी में, हमीरदेव चौहान उस समय शासक थे रणथंभौर के। फिर दूसरी विजय थी चित्तौड़गढ़ के ऊपर, उस समय शासक कौन थे, राव रतन सिंह थे, और रतन सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। सन 1303 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध किस उपलक्ष्य में ये युद्ध किया गया था, रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में ये युद्ध किया गया था। फिर चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया, और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, खिजराबाद रख दिया गया। ओके गाइस, अब देखते हैं तीसरी विजय, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरी विजय कौन से राज्य के ऊपर की थी। तो ये हमारे तीसरी विजय होगी फिर सिवाना के ऊपर, ठीक है, तीसरी विजय किसके ऊपर थी, सिवाना दुर्ग के ऊपर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना के ऊपर क्या है सेना भेजी, ठीक है,
तो तीसरी विजय क्या लिखे हैं? सिवाना। और ये हुई थी सन 1308 ईस्वी के अंदर, सन 1308 ईस्वी के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी, सिवाना दुर्ग पे आक्रमण करवाया। और क्या है, कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी कूटनीति अपनाते हुए सिवाना दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया? इस पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और उस समय सिवाना दुर्ग के जो शासक थे वो थे सातल देव। सातल देव उस समय जालौर के शासक थे। तो जो सिवाना दुर्ग है इसे जालौर की कुंजी कहा जाता है। ओके, तो उस समय शासक कौन थे? सातल देव चौहान, सातल देव थे। ठीक है, तो सन 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था। और सिवाना दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? खेराबाद। इसका नाम बदल कर क्या रखा? सिवाना दुर्ग का खेराबाद रख दिया गया। ओके गाइस, अभी देखते हैं फोर्थ विजय। तो फोर्थ विजय कौन सी है? जालौर के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी की जो चतुर्थ विजय थी वो थी जालौर के ऊपर, सन 1311 ईस्वी के अंदर। सन 1311 ईस्वी के अंदर इसकी विजय थी जालौर के ऊपर। और उस समय जालौर का शासक था सातल देव। सातल देव उस समय क्या था? जालौर का शासक था। तो जो सिवाना है इसको जालौर की कुंजी कहा जाता है। तो जालौर को क्या कहा गया? ताला। ठीक है, तो जब कुंजी इसने प्राप्त कर ली तो क्या है, ताला तो खुलना ही था ना। तो फिर इसने क्या है, सन 1311 ईस्वी के अंदर जालौर दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। और उस समय जालौर का शासक था सातल देव चौहान। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ। सबसे पहले विजय कहाँ पे थी? रणथंभौर के ऊपर थी, सन 1301 ईस्वी के अंदर। और उस समय रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था? हमीरदेव चौहान था। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था वो किसके उपलक्ष्य में हुआ था? जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था उसके रक्षार्थ हेतु हमीरदेव चौहान को क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करना पड़ा। और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, फिर जो सेकेंड विजय थी वो थी चित्तौड़ के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। और किसके उपलक्ष्य में किया था? रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। और ऐसा माना जाता है इसने 8 महीने तक घेरा डाल के रखा था। फिर इसने सन 1303 ईस्वी के अंदर अंत में क्या है, इसको विजय प्राप्त हो गई। ठीक है, और राव रतन सिंह की, राव रतन सिंह वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और 1303 ईस्वी के अंदर राव रतन सिंह वो अपने पिता समर सिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी के ऊपर बैठे थे। ठीक है गाइस, फिर जो तीसरी विजय थी वो थी सिवाना के ऊपर। सिवाना के ऊपर सन 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, विजय प्राप्त की थी। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इसने सेना भेजी थी। और सिवाना दुर्ग के ऊपर अपनी कूटनीति को अपनाते हुए, इसको मैंने डिटेल से पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चौहान वंश से संबंधित जो हमारा वीडियो है तो वहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हो। सो गाइस, इसके अंदर मैं जो मेन पॉइंट है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो 1308 ईस्वी के अंदर उसने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और उस समय वहाँ का शासक था सातल देव चौहान। और सिवाना दुर्ग को जालौर की कुंजी भी कहा जाता है। तो सिवाना को दुर्ग को जीतने के बाद उसने क्या है, जालौर दुर्ग को भी विजय कर लिया। ठीक है, जालौर के ऊपर सन 1311 ईस्वी के अंदर इसने क्या है, अपनी विजय पताका फहराई। उस समय वहाँ का शासक भी कौन था? सातल देव चौहान था।